Imagine feeling more love from someone that you have ever known. You are being loved even more than your mother loved you when you were an infant, more than you were ever loved by your father, your child, or your most intimate lover, anyone. This lover does not need anything from you. He isn't looking for personal gratification and only wants your complete fulfillment. You are loved just for being who you are, just for existing. You don't have to do anything to earn it. Your shortcomings, your lack of self-esteem, physical perfection, or social and economic success, none of that matters. No one can take this love away from you, and it will always be here. Imagine that being in this love is like relaxing endlessly into a warm bath that surrounds and supports your every movement so that every thought and feeling is permeated by it. You feel as though you are dissolving into love. This love is actually part of you. It is always flowing through you. It's like the subatomic texture of the universe, the dark matter that connects everything. When you tune into that flow, you will feel it in your own heart. Not your physical heart or your emotional heart, but your spiritual heart. The place you point to in your chest when you say, "I am." This is your deeper heart, your intuitive heart. It is a place where the higher mind, pure awareness, the subtler emotions, and your soul identity all come together and you connect to the universe where presence and love are. Unconditional love really exists in each of us. It is part of our deep inner being. It is not so much an active emotion as a state of being. It's not, "I love you for this or that reason." Not, "I love you if you love me." It's love for no reason. Love without an object. It's just sitting in love. A love that incorporates the chair and the room and permeates everything around. The thinking mind is extinguished in love. कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से इतना अधिक प्यार मिल रहा है जिसे आप कभी जानते नहीं थे। जब आप छोटे थे, एक छोटे शिशु, आपकी माँ भी आपको इतना प्यार नहीं करती थी तब। आपको अपनी माँ से भी अधिक प्यार किया जा रहा है। आपके अपने पिता, अपने बच्चे, आपके सबसे अंतरंग प्रेमी से भी ज़्यादा। इस प्रेमी को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसे आपसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। इसे तो केवल आपकी पूर्ण पूर्ति चाहिए। आप जो भी हों, आपको बस प्यार किया जाता है। केवल आपके होने के लिए आपको प्यार किया जाता है। इस प्यार को कमाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कमियाँ, आपके आत्मसम्मान की कमी, शारीरिक पूर्णता या सामाजिक और आर्थिक सफलता, इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। इस प्यार को आपसे कोई नहीं छीन सकता और ये हमेशा रहेगा। कल्पना कीजिए कि इस प्यार में होना एक कोष्ण जल स्नान में अंतहीन आराम करने जैसा है, जो आपके हर आंदोलन को घेरता है और उसका समर्थन करता है, ताकि हर विचार और भावना का संचार हो। आपको ऐसा लगता है जैसे आप प्यार में घुल रहे हैं। ये प्यार वास्तव में आपका हिस्सा है। ये हमेशा बहता रहता है आपसे होकर। ये ब्रह्मांड की उप परमाणु बनावट की तरह है, डार्क मैटर जो सब कुछ जोड़ता है। जब आप उस प्रवाह में ट्यून करते हैं तो आप इसे अपने दिल में महसूस करेंगे, न कि आपके भौतिक हृदय या आपके भावनात्मक हृदय में, बल्कि आपके आध्यात्मिक हृदय में। वो स्थान जिसे आप अपने सीने में इंगित करते हैं जब आप कहते हैं, "मैं हूँ." यह आपका गहरा हृदय है, आपका सहज हृदय है। ये वो स्थान है जहाँ उच्च मन, शुद्ध जागरूकता, सूक्ष्म भावनाएं और आपकी आत्मा की पहचान सभी एक साथ आती हैं और आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, जहाँ उपस्थिति है और प्रेम है। शर्त रहित प्यार, अनकंडीशनल लव,
वास्तव में हम में से प्रत्येक में मौजूद है। ये हमारे गहरे आंतरिक अस्तित्व का हिस्सा है। ये इतनी सक्रिय भावना नहीं है जितने की होने की स्थिति है। ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं है, या ये भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। ये अकारण प्रेम है, ये सिर्फ है। ये प्यार हर चीज़ में शामिल है और चारों ओर सब कुछ में व्याप्त है। सोचना इस प्रेम में समाप्त हो जाता है। ये प्रसंग मैंने लिया है रामदास जी की पुस्तक बी लव नाउ में से। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है, उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ। और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं? बस मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्र नाम, भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम लेने से सब काम पूरे हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री गुरु चरण सरोज।
हनुमत वीरा संकट के हनुमत
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ऐसे साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री